हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, डार्क सर्वाइवल इवॉल्व का आर्क मेगा मॉडेड सीरीज का। तो गाइस, आर्क मेगा मॉडेड सीरीज के पिछले एपिसोड में हम लोग ने जो फ्लेम रेक्स का अंडा था ना गाइज, वो हैच करा था और हमको उस अंडे से जो है ना गाइज यहाँ पे मिल गए थे गाइज एक रे, टोटल दो दो फ्लेम वाले रेक्स। और अभी आज का जो एपिसोड है ना गाइज, इस वाले एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले, आज के इस एपिसोड में हम लोग जाके यहाँ पे टॉर्पोर किंग गाइस, ठीक है, जो डायनो सारे डायनोस को बेहोश कर सकता है ना गाइस, ऐसे डायनो को आज हम जाके यहाँ पे टेम करने वाले। और वो डायनो हमको मिलेगा डेजर्ट बायोम में। वो डायनो कौन सा है गाइस, वो आपको डेजर्ट बायोम में जाके मैं आपको दिखाई दूंगा। वैसे अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि आज हम लोग कौन से डायनो को यहाँ पे कैच करने का काम करने वाले। वैसे आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद एनी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की, तो दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। और हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी अनलॉक है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कर दे आज के इस एपिसोड का शुभ आरंभ बिना किसी देरी के और मचाते एकदम फुल टू तबाही ना मेरे भाई, लेट्स गो। तो एक काम कर लेता हूँ, मुझे चाहिए होगा एलिमेंटल लाइटनिंग पीटी, ठीक है। अरे एक मिनट रुक जाओ यार, मेरे को एक और चीज़ चाहिए होगी, मुझे चाहिए होगा इंस्टेंट मीट ना मेरे भाई, मेरे को मीट भी तो चाहिए होगा। ये मीट कैसे बनेगा, डायनो हार्ड चाहिए। अरे डायनो हार्ड की तो कमी नहीं है, ठीक है चलो ये वाला तो बन जाएगा ना मीट, ठीक है चलो इस मीट से शायद से वो जल्दी टेम हो जाएगा, इसलिए मैं भाई ये ब्लू वाला मीट बना रहा हूँ, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक पॉलीमर है वो मैं यहाँ पे, और ये किबल भी यहाँ पे सिक्योर करके रख देता हूँ ताकि वो सड़ ना जाए। एंड मेरे पास बाकी का जो सारा सामान है लाइक चिटिन बिटिन वो मैं यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ। वैसे अभी तक मैंने सुनामी बिनामी करके कोई भी ऐसे डायनो जो है उनको कहीं कैच नहीं करा है, तो उनको भी कैच करने के ऊपर मुझे फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके लेट्स गो। और किधर है भाई, ये मिड गाइस यहाँ पे बन चुका है। चलो गाइस अभी पीढ़ी को लेके चलते हैं सीधा डेजर्ट वाइम में, वो डेजर्ट में एकदम फुल टू तबाही मचाएंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अपन सीधा डेजर्ट में, कहाँ पे, ये रहा डेजर्ट। चलो गाइस डेजर्ट वाइम में चलते हैं और वहाँ पे इस पीढ़ी से उस सांप को बेहोश करेंगे, उसके अंदर मीट डालेंगे और सटाक से टेम कर लेंगे गाइस, ठीक है। वो सांप ये भाई आंखों के सामने ही मिल गया। कितना लेवल है, 950 लेवल इज द ब्रो, ठीक है। और 25,000 टॉर्पोर, ये इजी पीजी इसको दे दिया चुम्मी एक मैंने। और इसको टेम करने के लिए मुझे प्राइमिड भी चाहिए था, बट वो नहीं है अपने पास अभी फिलहाल के लिए, इसी से काम चला ले भाई, ठीक है। काम 25 है ना मेरे भाई, हो गया टेम। अभी इसका टॉर्पोर देख रहे हैं आपको पावर, रुक जाओ आपको मैं इसका अभी टॉर्पोर पावर दिखाता हूँ। ये क्या है और किसका अंडा है भाई, अच्छा इस सांप ने अंडा दिया था। चलो गाइस कोई तो ऐसा डायनो मिला जो अंडा दे सके यहाँ पे, अंडों का भाई इंतजार में कब से कर रहा हूँ, बट कोई भी अंडा नहीं दे रहा मेरे को मेरे घर पे गाइस, ये देखना। ओ येस आई एम अ स्नेक बॉय गाइस, देख रहे हो ये रहा गाइस हमारा खतरनाक सा सांप गाइस, ठीक है। और इसी से अपन लोग सबको बेहोश करने वाले। इसके पास अटैक भाई, दांत देखना इसके भाई, दांत देखना इसके मुंह के अंदर कितने सारे भाई 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 नुकीले दांत भाई, ठीक है। और अटैक डस दूंगा भाई, ये देखो ऐसे डसने वाला अटैक है। लेफ्ट क्लिक सी, व्हाट, ये मत बोलना कि भाई बेहोश नहीं कर सकता किसी डायनो को। मुझे लग रहा है कि ये डायनो अर्ली स्टेज पे था भाई, रुको बेहोश कर सकता है क्या बाबा, डस दे, डस तो दे रहा है। अरे ले बेटे कितना, 1,000,000 टॉर्पोर लो, इजी पीजी बेहोश सीधा भाई, यही पे बेहोश हो गया भाई। ये मेंटिस अल्फा मेंटिस था गाइस, अल्फा मेंटिस था, सीधा भाई जगह पे बेहोश भाई, ठीक है। और मेरे पास मीट नहीं है यार प्राइम वाला, वरना अभी इसको भाई मैं टेम कर लेता, प्राइम मीट का जुगाड़ करना। एक काम कर लेता हूँ, घर से प्राइम मीट लेके आता हूँ, ठीक है। और इस मेंटिस को भी टेम कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ चलो, वैसे मेंटिस किस काम आएगा, रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए मेंटिस को लेके जाएंगे हम। रुक जाओ मैं घर से जो है ना गाइस मीट लेके आता हूँ। वैसे मुझे ना टोटल दो और सांप चाहिए, क्योंकि मेरा ये सांप ना
कितने दिन तक यहाँ पे बचा रहेगा इसका मेरे को कोई गारंटी नहीं है। मेरे डायनोसॉर मरते रहते तो मेरे पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए, इसलिए मैं एक और सांप को यहाँ पे टेम करने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे घर के ऊपर कोई तो है भाई, कोई तो खतरनाक सा जीव है जो चिल्लाए जा रहा है भाई खाली पोकट। और ये रहा प्राइमेट, ठीक है। चलो गाइज चलते फटाफट से, अभी हम लोग यहाँ पे लास्ट लोकेशन पे और उस मैंटिस को टेम करने के बाद में एक और सांप को गाइज यहाँ पे ढूंढने के लिए जाऊँगा। वैसे मुझे अर्जेंट टेविस को भी टेम करना है, उनको भी टेम कर लूँगा। रुको ये ले मैंटिस सर, मीट खा ले, एक ही में टेम हो जाएगा, ये हो जाएगा ना भाई। 86 हो रहा है गाइज, टेम तो हो रहा है, टेम तो। अरे भाई साहब लेट्स गो बॉयज। वैसे मैंटिस का सैडल मुझे लगाना पड़ेगा, वो तो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको मैंटिस का सैडल लगा के। अभी तो मुझे एक और सांप चाहिए यहाँ पे। वैसे मेरा डैमेज कितना पड़ रहा है ना वो भी मुझे एक बार देखने दो भाई। वो भाई काला कलर का सांप है, कर लूँ क्या? कितना ले बोले बे? 250 आ तू भाई, नहीं चाहिए भाई मेरे को। कितना? ये 73,000 जा रहा है। मैं और ज़्यादा अपने डैमेज में मतलब पॉइंट नहीं डाल सकता, वरना छोटे छोटे जो डायनोज होते हैं ना उनको मतलब टेम कर पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कितना हेल्थ है? 180 मिलियन हेल्थ भाई। हेलो हेलो ड्यूड भाई, 950 लेवल का एक और सांप भाई मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डस दूंगा इसको भी, ले भाई इसको भी डस दिया मैंने। अरे एक काम कर लेता हूँ, एक का ट्रिपल कर लेंगे अपन, एक का ट्रिपल भाई। रुक जाओ भाई, तीन तीन सांप टेम कर लेते हैं। काले कलर का भी सांप मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला, इस कलवा के लोंडे को भी टेम कर लूँगा। अरे भगने तो दे अबे यार, ये आया आना। अरे भाई इसकी क्या आई आनाकोंडा के बच्चे भाई, ये मेरे को भाई पप्पा को बेहोश करेगा भी है, तो पप्पा को बेहोश करने आ रहा है बाबा ये। निकल निकल निकल, मरना अबे डसना। अरे यार अटैक अटैक रेंज इसकी बहुत घटिया होती है, ठीक है। इसकी अटैक रेंज ना जो बहुत ज़्यादा घटिया होती है, इतना तो मानना पड़ेगा आपको। ये ले भाई प्राइमेट, ये हो जाए टाइम इजी बीजी भाई। एक और गाइज हमारे पास ब्लैक कलर का स्नेक आ चुका है, एंड इसको भी टेम कर लेता हूँ। मैंटिस लोग बस हमला ना करते मेरे ऊपर, इसको टेम करते करते। ओके इसके अंदर डाल देंगे मीट और लाइक दिस, हो जाए टेम, हो जाए टेम, लेट्स गो गाइज। भाई हमारे पास टोटल तीन तीन खतरनाक से टॉर्पूर देने वाले जो है ना गाइज स्नेक आ चुके हैं, ठीक है। और इनका इस्तेमाल हम लोग आने वाले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं, और मेरे हिसाब से इसकी 200 मिलियन तो हेल्थ चली जाएगी लग रहा है, क्योंकि मुझे डैमेज नहीं बढ़ाना। 300 मिलियन भाई, भाई 300 मिलियन तक गाइस इसकी हेल्थ पहुँचने वाली है भाई। इसकी हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली जाने वाली लग रहा है। 300 मिलियन, ये कौन से गार्बोइड क्वीन, गार्बोइड लेवल 1 की है, इट्स अ गार्बोइड क्वीन गाइस ड्यूड। कम ऑन मैन, गार्बोइड क्वीन को अगर मार डाला ना तो लाइफ जिंगा लाला, समझ रहे हो गाइज? गार्बोइड क्वीन जो है ना गाइज उसको मार डाला ना तो लाइफ जिंगा लाला ना मेरे भाई। ये ले रिसोर्स काफी तगड़े वाले देते हैं, हार्वेस्ट कर ले। व्हाट ए भाई गार्बोइड, ओ उस टाइम पे शायद से गार्बोइड अर्ली स्टेज पे थी क्या, क्योंकि मुझे रिसोर्स के नाम पे कुछ भी नहीं मिला यार। क्योंकि आर्क इटर्नल में आपको पता है गार्बोइड क्वीन जो है ना वो मेन होती है, मेन उसको मारने से हमको कितने सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, बट इस वाली गार्बोइड को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। एक्चुअली वो बॉस होती है गाइज, और इसमें भी वो शायद से बॉस ही थी, बट काफ़ी ज़्यादा इजीली मर गई। चलो कोई ना, मज़ा आ गया लेकिन। निकल भाई मैंटिस लाड में आ रहा है, मज़ा आ गया गाइज। चलो अभी मैं चलता हूँ गाइज सीधा घर पे, और मैंने एक मैंटिस भी टेम कर रखा है, उससे मैं यहाँ पे ना कुछ रिसोर्स फार्म करने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ गाइज कि मुझे टोटल कितने रिसोर्सेस मिलते हैं। वैसे इसको मैं हमेशा क्रायो करके रखूंगा, मुझे एक सोल टर्मिनल बनाने दो गाइस, ठीक है। रुको वेट अ मिनट, सोल टर्मिनल जो एक्स्ट्रा डायनो है ना गाइस अपने पास, एक्स्ट्रा डायनो उनको हम लोग सोल टर्मिनल के अंदर डाल के रखेंगे, वरना इन्वेंटरी भाई खाल। भाई मेरे बेस के ऊपर कोई तो गाइस, रुकना मैं बेस के ऊपर से थोड़ा राउंड मार के आता हूँ, कोई तो उंगली कर रहा है मेरे बेस के ऊपर। और ये लगाओ कहाँ पे सोल टर्मिनल भाई, यहाँ पे लगा दूँ, जगह ही नहीं है, जहाँ पे जगह वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ रहा है भाई। बताओ लैपिस वापिस, और ये भी है ना अल्फा मैंटिस है ये वाला है ना एक, हाँ ठीक है। चलो बाकी मीट प्राइम वाला कुक करने के लिए डाल रहा है मुझे, ताकि मैं उसे ट्रैकर बना सकूँ और जर्की बना सकूँ। भाई तेरा क्या हुआ, गैसोलीन खत्म हो गया क्या इसका, ये चल ही नहीं रहा।
शायद से गैसोलीन खत्म हो चुका है। रुको, मुझे थोड़ा सा गैसोलीन खींचना पड़ेगा। आइटम कलेक्टर फैब्रिकेटर, भाई 200 गैसोलीन खींच लेता हूँ फैब्रिकेटर के अंदर से, इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा ना ऑयल चाहिए होगा। रुको, क्या मेरे पास ऑयल है? क्योंकि मैं उससे जो ना गाइस यहाँ पे जर्की बनाने के लिए डाल देता हूँ। लार्ज स्टोरेज बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ऑयल था, इसको स्प्लिट अप कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को भी स्प्लिट अप करके जर्की बनाने के लिए डालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो किबल्स होते हैं ना गाइज वो यहाँ पे जर्की से ही बनते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे इस तरह से जर्की बनाने के लिए डालना पड़ेगा, ये ले ले। और अभी मुझे यहाँ पे एक मैंटिस का सैडल भी बनाना है। मैंटिस का सैडल शायद से इन्वेंट्री में बन जाता है ना, मैंटिस सैडल देखो, ये वाला मैंटिस सैडल तो इन्वेंट्री में बनेगा, बट क्या हमारा मैंटिस यहाँ पे इस सैडल से चल पाएगा? एक्सेप्ट करेगा इस सैडल को? अरे नहीं यार, अल्फा मैंटिस सैडल चाहिए होगा मुझे। रुक जाओ, अल्फा मैंटिस सैडल का शायद से इसमें बन जाएगा, मैं देखता हूँ। रुको, मैंटिस, हाँ ये रहा गाइस, ये सैडल चाहिए था, मैंने गलत सैडल बना लिया। ओके, इस सैडल को बनाने के लिए भी सारे रिसोर्सेज अपने पास पड़े हुए थे पहले से ही। मैं यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे रख देता हूँ, और ये कुछ तो मिला है, गार्बोइड पैरासाइड भाई, वो भी रख देता हूँ। एक अंडा फाइनल मिल चुका है, जो कि हमको सांप ने दिया था हमारे मैंटिस के ऊपर भी। मैं इस तरह से सैडल लगा के इसके अपन लोग लेवल अप कर डालेंगे एकदम, ठीक है। हेल्थ कितनी हुई है मेरे को बता नहीं गाइस, इसकी हेल्थ कितनी हुई है। वैसे अल्फा वर्जन है तो शायद से ये डैमेज तगड़ा वाला दे सके। कितना डैमेज है भाई? अरे यार, इसकी हेल्थ ही काफ़ी ज़्यादा घटिया है यार, यहाँ पे डैमेज क्या देगा, ये डैमेज क्या देगा ज़्यादा? कितना डैमेज दे रहा है भाई? 68,000 का डैमेज है भाई। बाकी तो मूवमेंट स्पीड भाई एकदम सॉलिड है यार। वो ओरे मैया, अरे भाई, आज का मेरे बेस के साइड में सारे के सारे भाई खतरनाक डैमेज स्पॉन होंगे क्या? कितना मिलियन है भाई? 21 मिलियन है बेटा, 21 मिलियन है भाई। रुको भाई, रुक जाओ। ये गीगा का अगर मेरे को, ये वाले गीगा का मेरे को अगर भाई, हाँ आ जा बेटा, तू आ जा। हाँ तेरी तो कमी, बग बेस की डेट निकल। मर रहा है कि नहीं? लाड़ में आ रहा है, बिड़ो निकल लो, बग बिराना की बच्ची। चलो गाइज, भाई पानी में तो इसकी मूवमेंट स्पीड सॉलिड वाली है। मैं बाहर ना अपने डोडू रेक्स को ही लेके जा रहा हूँ, और उससे मैं शॉक वाले गीगा को मारूंगा, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में फायर वाले रेक्स से एक और आई थिंक से पॉइजन या फायर, पता नहीं कौन सा वर्जन था, उस रेक्स को मारा था फीमेल वाले, बट मुझे अंडा नहीं मिला था। बट डोडू रेक्स से मैंने दो बॉसेस को मारा, तो दोनों बॉसेस में मुझे अंडा मिला था दोनों टाइम। तो मुझे लग रहा है इस बार भी मुझे अंडा मिलेगा, मैं जाके शॉक वाले गीगा को मारता हूँ, ठीक है। शॉक वाले गीगा का अपन को अंडा ही मिल जाएगा डायरेक्टली, आ जाओ। हेलो गीगा, फोटो से हेडशॉट ले मेरे भाई, ले 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 ले, जवानी तेरी बिजली की तार। अरे ये ले, ये ले, अरे बिजलियां फेंक रहा है, बिजलियां फेंक रहा। 2800 लेवल भाई फीमेल है ऊपर से। वाव, आज लग तो सॉलिड है अपना, आज लग तो सॉलिड है गाइस अपना। ये ले, ठीक है। एलिमेंट 5 मिल गए, अंडा भी मिल गया ना मेरे भाई। गाइस देख रहे हो, डोडू रेक से मार रहे से अंडा मिल रहा है मुझे, बट मैंने रेक से मारा था, मुझे अंडा नहीं मिला था। ये देखना गाइस, 2000 लेवल का अंडा है, ठीक है भाई। 2000 हो या कितने भी लेवल का हो, निकलने वाला तो 500 या 600 लेवल का ही डायनो इसके अंदर से, ठीक है। सो वो भाई मायने नहीं रखता। सामने मेल वाला है यार, ये फीमेल है क्या? नहीं यार, मेल ही है दोनों, ये अंडा नहीं देंगे गाइस, इनको बख्श देता हूँ मैं सोच रहा हूँ। चलो ये अंडा लेके, वो यार एक काम कर लेता हूँ, इनको भी भेज देता हूँ भगवान के पास। ये ले भाई, क्या पता मेल पे अंडा दे देगा, क्या पता भाई। भाई इसको इलेक्ट्रिक कर रखा है भाई, स्टन कर रखा है, बेचारा हिल नहीं पा रहा है। ये ले, अरे भाई ये देखना कितना स्टन हो चुका है। आग लगाएगा मुर्ख बालक, आग लगाएगा। रुको, ये ले 13 मिलियन, ये ले 11 मिलियन, 10 मिलियन, ये ले 8 मिलियन, और ये ले, मर गया भाई ऑलमोस्ट। गया गाइस, गया खत्म। 3, वो
बम के गोले से छोले फेंक रहा, अंडा दिया क्या मेल ने? ऐसे मेल कब से अंडा देने लग गया गाइस? अंडा कैसे देगा मेल? उसके इन्वेंटरी में कुछ तो है भाई, रुक जाओ छोटे से पैकेट के अंदर। अच्छा एलिमेंट मिल रहा है यार मेरे को इन लोग को मारने से गाइज। अगर ऐसे एलिमेंट मिलते रहे तो अपना काम 25 हो जाएगा ना मेरे भाई। भाई काफी ज्यादा खतरनाक एलिमेंट मिल रहे मेरे को, देखना 25 हो चुके हैं। 100 मिल जाए भाई, 100 नहीं 150 मिल जाए तो मैं ट्रांसमीटर बना दूं। ये ले भाई, बाय 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 बाय, खत्म भाई। चलो अच्छी बात है, मुझे ब्लड बीड भी तो मिला एटलीस्ट गाइस, ठीक है काफी बढ़िया गाइस काफी बढ़िया। मुझे एक और अंडा गाइस मिल चुका है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले एपिसोड में यहाँ पे शैडो मैन टेम कर सकता हूँ मैं, ठीक है। बड़े टेम ऐसा ना होगा गाइस, इसके नजदीक जाऊंगा ना अब बिजली के झटके दे के पेल देगा मेरे को। इसको टेम करने के लिए अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे जाना पड़ेगा। मैं गिली सूट बना लेता भाई गाइस, काफी ओपी वाला गिली सूट गाइस यहाँ पे बनता है, वो बनाना पड़ेगा मेरे को। क्या बोलते हो गाइस अगले? भाई यार मेरे को अर्जेंट है, भी टेम करने थे। काफी सारे डायनोस ऐसे है गाइस जिनको मेरे को टेम करना है यार। अबे ऐसे ऐसे ओपी ओपी डायनोस दिख रहे ना मेरे को, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किस किस को टेम करूँ। ऐसे फ्लेम वाले रिक्स को ना मैं यहाँ पे बाहर निकाल के रखना चाहूंगा, क्योंकि शायद से फ्लेम वाला रिक्स मुझे अंडे दे दे भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे तो भसड़ मची पड़ी है, तो मैं अपने डायनोस को रखने के लिए वहाँ पे सामने की तरफ कोई तो जगह बना लूंगा एक दो एपिसोड बाद, ताकि मैं सारे डायनोस को ना यहाँ पे अच्छे से रख सकूँ, ठीक है। चलो एक काम कर लेते हैं, आज तो हमने काफी सारे डायनोस को टेम करा, हमने मैंटिस टेम करा, हमने तीन तीन सांप टेम करे, हम लोगों ने भाई बॉस गीगा को मारा, उसका अंडा गाइस यहाँ पे प्राप्त करा भाई। आज तो भाई बहुत ही ज्यादा काम कर लिया है, तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते सीधा गाइस सबसे अगले वाले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम लोग या तो शैडो मैन अर्जेंट एविस या तो अंडा हैच करने का काम करेंगे गाइस, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक काम अपन अगले एपिसोड में कर लेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.